इस वीडियो में मैं 8 सिंगोनियम की उन वैरायटीज के बारे में बताऊंगी जो कि एक्जॉटिक की श्रेणी में आती हैं और ये मीडियम रेंज की वैरायटी होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं और ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इस मॉनसून अगर आप अपने प्लांट कलेक्शन को रिच करना चाहते हैं तो आप इन वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे मौसम के मुताबिक, यानी कि बरसात का मौसम है, नई नई प्लांट वैरायटीज़ को लगाने का एक्सप्लोर करने का मौसम होता है। जो लोग प्लांट लवर नहीं भी होते हैं वो भी इस मौसम में 2-4-6 प्लांट्स तो जरूर लाके लगा लेते हैं और हम में से सारे ही लोग अच्छे से अब तक सिंगोनियम्स को नर्चर करना तो सीख ही चुके हैं। पर आपको क्या पता है, सिंगोनियम की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हाइब्रिड्स हैं, एक्जॉटिक हैं, रेयर हैं, जिनको लगा करके आप अपने कलेक्शन को रिच बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और इनवाइटिंग बना सकते हैं। और आज मैं आपको 8 ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगी जिनको कि कलेक्ट करके आप अपने कलेक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं। ये वैरायटीज़ बहुत ही इजी टू केयर हैं, बिल्कुल सिंपल सिंगोनियम वैरायटीज़ की तरह, और इनको आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, कहाँ से ला सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं इन वैरायटीज़ को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके शहर में इस तरह की वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं या सामान्य नर्सरीज़ में नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो थोड़े रेयर और एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं नॉर्मल जो नर्सरीज़ होती हैं उनमें जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी उतनी डिमांड नहीं होती है और उनको मुश्किल होता है थोड़ा खरीदना, क्योंकि उनकी कीमत सामान्य वैरायटी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इनको कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें, मैं पेड प्रमोशंस नहीं करती हूँ ना मैं स्पॉन्सर वीडियोस बनाती हूँ, पर फिर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कहाँ से लाई, कैसे लाई, कहाँ मिलती है, कैसे मिल पाएगी। तो उनकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में ऐसी जगहों के नाम बता दूंगी जहाँ पर ये तमाम वैरायटीज आपको आसानी से मिल सकती हैं। लास्ट में ये बताऊंगी, शुरू में मैं 8 वो वैरायटीज बताती हूँ ताकि पहले आप पसंद करें, अपना मन बनाएं, फिर उन वैरायटीज की तलाश हम और आप मिलके साथ करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये सिंगोनियम की एक खूबसूरत वैरायटी है जिसमें लाइट ग्रीन कलर की पत्तियों पे रेड कलर के ब्लॉचेस होते हैं और सर्दियों में ये और ज़्यादा फास्ट कलर के हो जाते हैं। गर्मियों में थोड़ा अगर आप इनको सनलाइट में रखते हैं तो ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा हावी होता है, पर ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और इसकी पत्तियाँ बड़ी और चौड़ी होती हैं, इसलिए आप इसको प्लांटर में लगाएं या फिर मॉसपोल के सहारे लगाएं तो बेहतर होता है। ये एक खूबसूरत वैरायटी है जिसको आप आसानी से प्रोपगेट भी कर सकते हैं, सारी सिंगोनियम वैरायटीज़ की तरह केयरिंग भी बिल्कुल वही होती है जो और सिंगोनियम वैरायटीज़ की होती है। दूसरी वैरायटी है सिंगोनियम पिंक स्प्लैश, ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, स्लो ग्रोइंग वैरायटी है, मॉस पोल्स पे, हैंगिंग बास्केट्स में, दोनों में लगाने के लिए अच्छी है। आप इसको भी अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं और आप देखिए कि जब इसकी पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं और एकदम एरोहेड शेप की हो जाती हैं तो ये मॉस पोल पे लगा हुआ प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक्जॉटिक लगता है। इसको भी आप ले सकते हैं, थोड़ा स्लो ग्रोअर है इसलिए थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, पर मीडियम सनलाइट इसके लिए बेस्ट है। पानी तो सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं डालना चाहिए और फैंसी सॉइल की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम अगर आप इस तरह का कोई भी प्लांट खरीदें तो मेरी तरह से उसको प्रोपेगेट करते रहा करें, क्योंकि इसको अगर आप प्रोपेगेट करते रहेंगे तो ये प्लांट अगर किसी वजह से ख़राब होने लगेगा तो भी आपके कलेक्शन में ये प्लांट बना रहेगा। वैरायटी है सिंगोनियम फ्रिकल्स, ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है और इसमें पत्तियों में अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, कुछ में बड़ा सा इस तरह का पिंक कलर का ब्लॉच होगा, कुछ में इस तरह के पैटर्न्स होंगे जो नॉर्मल सिंगोनियम वैरायटीज़ में आते हैं। 2-3 वैरायटी का मिक्स हाइब्रिड वैरायटी है, ये देखने में सुंदर है और इसको भी आप अगर मॉस पोल पे लगाएंगे तो बेटर रहेगा या छोटा बना करके प्लांटर में लगे रहने दें। अगली वैरायटी है पिंगोनियम पिंक सैल्मन और इसमें एक एकदम डिफरेंट तरह का पैटर्न लीव्स पर बना होता है जिसमें लाइट ग्रीन कलर और पिंक कलर होता है जो देखने में काफी सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां नीचे से पतली और शार्प होती हैं, चौड़ी नहीं होती हैं और इसलिए ये हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए और छोटे कंटेनर्स में लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है जो देखने में काफ़ी आर्टिस्टिक और एस्थेटिक लगती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छे प्लांट कलेक्ट करने का शौक है तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आई प्लीजिंग इसका अपीयरेंस होता है।
अगली वैरायटी है सिंगोनियम वेंडलैंडियाई। ये एक बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम की वैरायटी होती है जो डार्क ग्रीन कलर की होती है और बीच में ग्रेइश वाइट कलर के पैटर्न होते हैं। हालांकि ये वैरायटी बहुत ही आसानी से नर्सरीज में मिल जाती है और इस समय बारिश के मौसम में तो ऑलमोस्ट आपको हर ठीक ठाक नर्सरी में ये मिल जाएगी और कीमत में भी 80 रुपये से 100 रुपये तक का इसका एक छोटा 3-4 इंच का पॉट मिल जाता है। पर इसकी जो मुश्किल है वो ये है कि सर्दियों में ये पूरी तरह से डोरमेंसी में चली जाती है और ज़्यादा करके ये मर जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, मेरी तरह से आप स्ट्रेटजी को अपनाएं, कई सारे प्लांट बना लें और अलग अलग कोने में रखें। देखिए आप, इसका ये मदर प्लांट है और इसकी ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने इससे इतने ज़्यादा प्लांट बना लिए हैं कि अब इसमें नई जो है वो ग्रोथ हो रही है, पर इसके जो बेबीज हैं वो अच्छे से फल फूल चुके हुए हैं। तो आप भी इसी स्ट्रेटजी को इस प्लांट के संग अपनाइए और देखिए वर्क करेगी, क्योंकि अदरवाइज ये प्लांट टिकता नहीं है। सर्दियों में डोरमेंट होने के बाद अक्सर ये वापस नहीं आता है। बस आपको सर्दियों में ये ध्यान रखना है, उतना ही पानी डालिए जितना इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो और मिट्टी में कोई भी फैंसी कॉम्बिनेशन मत यूज करिए, सिंपल लोमी सॉयल यूज करिए जो बहुत ही पोरस और वेल ड्रेनिंग हो। सिंगोनियम वैरायटी जो आप ले सकते हैं वो है स्टारलाइट। ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जिसमें क्रीम ग्रीन और वाइट कलर की पत्तियां होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंटली शेप होती हैं। ये क्लासिक सिंगोनियम प्लांट है जिसको कि आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। देखने में खूबसूरत है और इसको आपको फुल लाइट एरिया में रखना है, बहुत तेज धूप गर्मी में मई जून में बचानी है। अदरवाइज इसको एक अच्छी लाइट वाले एरिया में रखिए, वेल ड्रेनिंग नॉर्मल गार्डन सॉइल को यूज कीजिए जो पोरस हो। हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए एक बहुत ही शानदार वैरायटी है, इसको आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स में मेरी तरह लगाइए और देखिए पूरा प्लांटर भर के तैयार होगा, देखने में खूबसूरत लगेगी। और साल में 3 या 4 बार फर्टिलाइजर डालिए, मिट्टी जब बनाइए तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छे से डालिए और ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसको भी मेंटेन रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि कंटिन्यूसली आप इसके नए प्लांट बनाते रहिए। अगली वैरायटी है सिंगोनियम एल्बो। कभी मैंने बहुत साल पहले, करीबन 10-12 साल पहले, एक इसकी नोट कटिंग खरीदी थी, बहुत ही एक्सपेंसिव, पर तब से आज तक ये मेरे घर के हर कोने में है। मॉस पोल्स पे लगाने के लिए ये बेस्ट सिंगोनियम वैरायटी है जिसको कि आप अगर आपके पास है तो मॉस पोल पे ही लगाएं। और इसका भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपके सिंगोनियम एल्बो में ऑल वाइट लीफ निकले तो उसको कुछ दिनों तक निहारने के बाद आप हटा दें, क्योंकि अगर लगातार वाइट पत्तियां निकलने लगेंगी तो आपका प्लांट खराब होने लगेगा। अगली वैरायटी है चॉकलेट सिंगोनियम की। ये प्लांट भी आपको ऑनलाइन या नर्सरीज में इस समय इजीली अवेलेबल है और करीबन एक इसका पॉट जो है वो 200-250 रुपये तक का मिल जाएगा छोटा। और इस प्लांट को आप लगाइए, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और इसको मिनिमम पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि नॉर्मल सिंगोनियम वैरायटी के मुकाबले थोड़ा और कम पानी डालिए और धूप हल्की सी कम रखिए ताकि ये अपने कलर को मेंटेन रख सके। जैसे देखिए, मैं कुछ दिनों पहले तक ये मेरा प्लांटर पूरी तरह से भरा हुआ था, पर मैंने इससे कम से कम 10 से 12 प्लांट बना लिए। और ये जो समय होता है ये सिंगोनियम को प्रोपगेट करने का होता है, क्योंकि इस समय ये फास्ट प्रोपगेशन होता है इनका। आप देखिए, मैंने अपने यहाँ एक सिंगोनियम प्रोपगेशन सेंटर की तरह एक स्पेस डेवलप कर रखा है जहाँ मैं लगभग डेली अपने दो चार सिंगोनियम के प्लांट प्रोपगेट करती रहती हूँ और वो नए प्लांट्स तैयार होते रहते हैं, क्योंकि इनको मैं फिलर प्लांट की तरह यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ भी स्पेस है और प्लांट नहीं है तो सिंगोनियम या कोलियस लगा दो तो वो जगह भी भर जाएगी, खूबसूरत भी हो जाएगी और एक लो मेंटेनेंस प्लांट होने के नाते इनको कोई ज़्यादा खाद की और बहुत ज़्यादा पानी की दरकार भी नहीं होती है। अगले किसी वीडियो में मैं सिंगोनियम की उन रेयर वैराइटीज़ के बारे में बताऊँगी जो कलेक्टेबल हैं, जिनको कि आप कलेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम जो वैरायटीज़ मैंने बताई हैं वो मिल जाएं, उनमें से कुछ तो लोकल नर्सरीज़ में भी इस समय बारिश के मौसम में आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी प्लांट सेलिंग साइट हैं जो रेयर और एक्जॉटिक प्लांट वैरायटीज़ में डील करते हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूंगी अगर आप कॉमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो। इसके अलावा फेसबुक पर 2 ग्रुप हैं, एक है रेयर प्लांट बाय एंड सेल और एक है एरोइड्स ऑफ इंडिया। इन पे कुछ एक सेलर्स ऑथेंटिक हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं और ऑर्डर देने के पहले सेलर के बारे में पूरी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें तभी ऑर्डर दें। और इसके अलावा कुछ लोग ऑनलाइन इनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बेचते हैं,
उनके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना उस पे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर पुश कर देना चाहिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। कई बार आप तक नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद भी नहीं पहुंचता है, तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप बेल आइकन पुश करें और कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।